दोस्तों बचपन में आपने लेजेंडरी कार्टून्स को तो देखा ही होगा, लेकिन शायद आप इन पॉपुलर एनिमेस को भूल गए होंगे, क्योंकि मानो कि ये कार्टून्स आज के समय में लगभग गायब से ही हो चुके हैं। आज के समय में दिखाए जाने वाले कार्टून्स में वो नॉस्टैल्जिया फीलिंग कहाँ जो आज से 10 साल पहले हुआ करती थी। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं में से कुछ फेमस और पॉपुलर कार्टून्स के बारे में बात करेंगे जो आज के समय में लगभग गायब से ही हो चुके हैं। बचपन की वही नॉस्टैल्जिया फीलिंग लेने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। करेज द क्वार्डली डॉग। दोस्तों ये पिंक डॉग तो आपको याद ही होगा, जो अपने दोनों मालिकों को मुसीबतों से बचाता रहता था। ये एक हॉरर कॉमेडी कार्टून था जिसका फर्स्ट एपिसोड 12 नवंबर 1999 को दर्शकों के सामने पेश किया गया था। इस कार्टून शो में हमें एक बहादुर पिंक डॉग दिखाया जाता था, जो कि हमें अक्सर अपने मालिकों को भूतों और एलियन क्रिएचर से बचाता हुआ दिखाया जाता था। इस कार्टून शो के अंदर हमें बहुत सारे फनी हॉरर सीन्स दिखाए जाते थे, जिन सीन्स को देखने में हमें बहुत ज्यादा मजा आता था। लेकिन ये अच्छा भला चल रहा कार्टून शो बंद होने की कगार पर तब आया जब इसमें दिखाए जाने वाले सीन्स को देखकर बच्चे बहुत ज्यादा डरने लगे। और तो और म्यूरल और उसकी वाइफ को बचाने के बावजूद भी म्यूरल अपने डॉगी के साथ मिसबिहेव करता था, जो कि साफ साफ एनिमल अब्यूज को दर्शा रहा था। बस इन्हीं कारणों के चलते मेकर्स को ये शो बंद करना पड़ा। बस करो हेनरी। दोस्तों जब मैंने इस कार्टून को पहली बार देखा था, तब हेनरी के शैतानियों और उसके परफेक्ट डब ने मुझे बिल्कुल हिप्नोटाइज सा कर लिया था। अब क्योंकि इंडिया का हर एक बच्चा अपने आप को हेनरी के अंदर देख पा रहा था, इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन आज के समय में हमें किसी भी चैनल पर बस करो हेनरी देखने को नहीं मिलता। अब पूरी दुनिया में हेनरी को लेकर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज निकल कर सामने आई थी, और पेरेंट्स का कहना था कि इस शो को देखने की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। शायद इसी वजह से शो को टेलीकास्ट करना बंद कर दिया गया। शिनचैन। 5 साल के शैतान बच्चे को कौन नहीं जानता। बचपन में हमें अपने बदमाशियों से एंटरटेन करने वाले इस कार्टून को एक समय पर बैन कर दिया गया था। इंडिया में इसे 2006 में पहली बार टेलीकास्ट किया गया था, और 2008 में इसे बैन भी कर दिया गया, क्योंकि तब हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगने लगा था कि शिनचैन की शैतानियों और लैंग्वेज को कॉपी करने के कारण हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। इस वजह से इस शो को इंडिया में 1 साल के लिए बैन कर दिया गया था, जिसके बाद इसकी कमियों को सुधार कर इस एनिमे को दोबारा टेलीकास्ट किया गया। पोपोय। दोस्तों अगर आप 90s के किड्स हैं तो आपने पोपोय तो जरूर से देखा होगा, और आप उसकी पालक खाने वाली आदत भी जानते ही होंगे। उसकी पालक खाने वाली आदत को देखकर बहुत से बच्चे पालक खाने लगे थे, और शायद आप भी उनमें से एक हों, क्योंकि अब सब बच्चे पोपोय की तरह बनना चाहते थे। इस वजह से वो उसकी अच्छी आदतों के साथ साथ बुरी आदतें भी कॉपी करने लगे थे। उसकी बुरी आदत थी 24 घंटे उसके मुंह में रहने वाली स्मोकिंग पाइप। जब पेरेंट्स ने स्मोकिंग पाइप वाले मुद्दे को उठाया था, तब इस कार्टून को पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया था। टॉम एंड जेरी। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये शो भला कैसे बंद हो सकता है, लेकिन एक समय पर इस कार्टून को भी बैन कर दिया गया था। टॉम एंड जेरी की ये पकड़ा पकड़ाई सबकी फेवरेट थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि मेकर्स को ये शो एक समय पर बैन करना पड़ गया था। वेल दोस्तों, क्योंकि इस शो में इनकी मस्ती और पकड़ा पकड़ाई के अलावा वायलेंस सीन्स, शराब पीना और स्मोकिंग जैसे हार्मफुल सीन्स दिखाए जाने लगे थे, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। इसी के चलते शो को 1994 में बंद कर दिया गया, जिसके बाद टॉम एंड जेरी के दूसरे शोज दिखाने शुरू कर दिए गए। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्तों।